जय माता दी दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह ही सोचते हैं कि व्रत में क्या बनाएं, क्योंकि नॉर्मल दिनों की अपेक्षा व्रत में कुछ ज़्यादा ही काम करना पड़ जाता है और तरह तरह की चीज़ें जो है डिमांड होती रहती हैं कि ये बनाओ वो बनाओ, समझ में नहीं आता कि डेली क्या बनाया जाए। तो आज मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ों से और एकदम हेल्दी और एक चम्मच तेल में ही ये सारी चीज़ें, मैं जो भी बनाऊँगी सारी चीज़ें पूरी फैमिली के लिए एक एक चम्मच तेल में ही बन करके मेरी तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ मैंने बनाया है साबूदाने का अप्पे, जो कि ये जितना आप देख रहे हैं ये सारे एक चम्मच तेल में बन करके तैयार हुआ है। और मैं सिंघाड़े आटे की जो है पूड़ियाँ बनाऊंगी, वो भी तल करके नहीं, इस तरह से सेक करके। तो आप देख रहे हैं ना हेल्दी तरीके से ये बन रहा है, क्योंकि ज़्यादा घी ऑयल भी नुकसान करता है। तो मेरी पूड़ियाँ जो हैं सेक करके तैयार है। यहाँ मैंने घुया की सब्जी बनाई है, इस तरह से जो है क्रंची क्रंची सी है। और देखिए मैं थाली तैयार कर ली हूँ, तो अब मैं लगा रही हूँ। तो अब मेरी घुया की सब्जी है, लौकी टमाटर की सब्जी, आलू की सूखी सब्जी है, यहाँ मूंगफली के दाने हैं, ये सलाद में मूली और नींबू है, साथ में ये नारियल के लड्डू हैं, दही है, और यहाँ पर है ये मेरी सिंघाड़े आटे की पूड़ियाँ और साबूदाने का अप्पे। तो कैसी लगी आपको मेरे व्रत की थाली? अगर आपको पसंद आई होगी तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किन माने बहुत झटपट बन करके तैयार हो जाएगा और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगेगा। तो हम मिलेंगे अगली एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।